हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अनबॉक्सिंग नागालैंड। मैं हूं इमदाद, आपका होस्ट, और आज का ये एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए दो फोन का कंपैरिजन। और जो दो फोन मैंने लिया है वो है वन प्लस नोट 4 और रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस। दोनों फोन का मैं आज कंपेयर करने वाला हूं। दोनों ही फोन का मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। प्लस का लुक जो है ये ऐसा है, ये कलर जो मैंने लिया है ब्लू कलर, और वन प्लस नोट 4 का लुक जो है ये ऐसा है। वन प्लस नोट 4 जो है वो स्ट्रेट फोन, और वन रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस जो है वो है कर्व फोन। तो दोनों फोन को मैंने आज कंपैरिजन करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों ही फोन जो है वो 35 रेंज के अंदर में गिरता है और बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन और बहुत ही चलने वाला फ़ोन है। तो मुझे लगा कि आपको ये दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका लुक देख सकते हो, आप ऑन द स्क्रीन, ये है कर्व फोन दैट इज़ नोट 13 प्रो प्लस, और ये है वन प्लस नोट 4। ये मैं इसका स्पेसिफिकेशन बताऊँगा, इसको मैं अनबॉक्स करूँगा, बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ मिलता है वो मैं आपको दिखाऊँगा, एंड देन एट लास्ट मैं आपको प्राइस बताऊँगा, एंड देन यू डिसाइड कि दोनों फ़ोन में आपको कौन सा पसंद आया, कि आपको कर्व फोन लेना है या वन प्लस नोट 4 स्ट्रेट फोन आपको पसंद आया। तो चलिए विदाउट एनी डिले अनबॉक्सिंग नागालैंड में अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सो ये है आपका नोट 13 प्रो प्लस 5G फोन, और ये है वन प्लस नोट 4 फोन, देख सकते हो आप ऑन द स्क्रीन। तो चलिए वन बाय वन हम लोग पहले अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे कि बॉक्स के अंदर में हम लोग क्या मिलता है। तो नोट 13 प्रो प्लस को हम लोग अगर अनबॉक्स करते हैं, अगर हम लोग खोलते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग को छोटा सा एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर में हम लोग को मिल जाता है एक कवर, यूज़र मैनुअल और सिम इजेक्टर पिन। ये सब चीज़ों को हम लोग साइड में रखते हैं। ये है फ़ोन, देखिए, तो इसको हम लोग बाद में रिवील करेंगे। और नीचे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है एक USB टू टाइप सी केबल, और एक मिल जाता है एडाप्टर जो है 120 वाट का एडाप्टर आपको दिया जाता है नोट 13 प्रो प्लस में। अगर बॉक्स के नीचे में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है बैक साइड में, और आपको यहाँ पे देखिए 120 वाट्स का हाइपर चार्ज लूप चार्ज यहाँ पे आपको मिल जाता है। 5000 mAh का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। IP68 रेटिंग दिया गया है। यहाँ पे देखिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। डस्ट एंड स्क्रैचेस यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और ये है रेडमी नोट 13 प्रो प्लस का फोन। ये है कर्व डिस्प्ले फोन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है यहाँ पे। आपको एमोलेड डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। तो ये फोन का जो स्पेसिफिकेशन है आपको बैक साइड में आपको मिल जाएगा दोस्तों। और इसका जो लुक जो है मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। जो वेरिएंट मैंने जो लिया है ये है आपका, ये ब्लू कलर वेरिएंट मैंने लिया है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे दो कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, डेट इज़ 200 मेगापिक्सल, और ये आपका ये वाइडर रेंज कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। आपको 5 डिस्प्ले कैमरा मिल जाता है, और ये जो स्क्रीन का जो साइज जो है वो 6.67 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। ये एमोलेड डिस्प्ले है, और ये देखिए कर्व डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। ये है रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस का फ़ोन, तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। अभी वन प्लस नोट 4 को हम लोग क्या करेंगे, अनबॉक्स करके देखेंगे बॉक्स के अंदर हम लोग को क्या मिलता है। वन प्लस नोट 4 तो ये है, इसके अंदर में देखिए यहाँ पे हम लोग को बॉक्स के अंदर में एक कवर मिल जाता है, देखिए यहाँ पे यूज़र मैनुअल गाइड, और यहाँ पे देखिए एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाता है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। और ये है फ़ोन वन प्लस का, वन प्लस का फ़ोन जो है ये फ़ोन का जो लुक है ये ऐसा है, हम लोग बाद में डिटेल में बताएंगे। नीचे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है देखिए ये USB टू टाइप सी केबल, और एक यहाँ पे फास्ट चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है, दैट इज़ 100 वाट का एडाप्टर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे 8GB रैम और 256GB, यहाँ पे दो कैमरा देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ पे 50+ यहाँ पे आपको 8 MP का कैमरा मिलेगा, फोन में आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, 5 डिस्प्ले। यहाँ पे जो बैटरी बैकअप जो इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ 5500 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है आपको। ये एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो प्रोसेसर जो इस्तेमाल किया गया है वो है 7+ Gen 3 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए नोट 13 में आपको 200 MP का बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे है 50 MP का बैक कैमरा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो लुक आप देख सकते हो बोथ फोन का ऑन द स्क्रीन, आपको कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा पसंद है ये ज़रूर बताइएगा मुझे। और यहाँ पे दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। ये जो वन प्लस नोट 4 है यहाँ पे आपको 5500 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है, और यहाँ पे जो रेडमी नोट 13 जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है
5000 एमएच का बैटरी बैकअप। तो ये जो है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस आपने अनबॉक्सिंग तो देख लिया है और दोनों फोन मेरे हाथ में आ चुका है, OnePlus Note 4 जो है स्ट्रेट फोन और ये Note 13 Pro Plus जो है कर्व फोन। तो ये दोनों फोन में से आपको कौन सा अच्छा लगा ये जरूर बताइएगा। मेरे चैनल में आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि दोनों फोन में से कौन सा बेटर फोन आपको लगा है और कौन सा फोन आप लेना चाहेंगे। और ये दो फोन अवेलेबल हो चुका है ममता इलेक्ट्रॉनिक्स या तो अल्ट्रा डिमापुर में, आप आइए और इसको आप आके ग्रैब कर सकते हो। चलिए अभी मैं आपको इसका प्राइस बताना चाहूंगा। ये जो फोन जो नोट 13 प्रो प्लस जो 8GB 256 वेरिएंट जो मैंने लिया था, इसका जो प्राइस जो है ये है 35,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। जो वन प्लस नोट 4 जो वेरिएंट मैंने लिया है, इसका भी मैंने 8GB 256 वेरिएंट जो लिया है, इसका जो प्राइस रेंज जो कंपनी ने रखा है वो है 34,000 रुपीज में आपको मिल जाता है। दोनों ही फोन में मात्र सिर्फ 1,000 का डिफरेंस है। आपको कर्व फोन मिल रहा है 35,000 रुपीज में, स्ट्रेट फोन मिल रहा है आपको 34,000 रुपीज में। तो दोनों फोन में आपको कौन सा अच्छा लगा ये जरूर बताएगा। तो ऐसे ही अनबॉक्सिंग करेंगे, ऐसे ही नया नया फोन दिखाएंगे आपको और आपके साथ आकर जुड़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऐसे ही हम लोग मुलाकात करते रहेंगे एंड मिलते हैं अपने वीडियो के साथ में। टिल देन शफ़क़त अलविदा एंड दिस इज द ट्रू फोन फॉर यू गाइज़।